बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में एनसीबी कोर्ट में फाइल करेगी चार्जशीट। इसके साथ ही आरोपियों में रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन मामले में चार्जशीट फाइल करेगी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके साथ ही 30,000 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट है। तो हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज एनसीबी कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने वाली है और उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी आरोपी के तौर पर है। तो बता दें कि 30,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट फाइल की गई है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की आग अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। बता दें कि मामले को लेकर जांच लगातार जारी है और आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। बता दें कि एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े अदालत में खुद चार्जशीट दाखिल करने जाएंगे और इसी के साथ एनसीबी की भाषा में कंप्लेंट बोलते हैं और पुलिस की भाषा में इसे चार्जशीट कहते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि कई हजार पेज यानी 30,000 पेज से ज्यादा की यह चार्जशीट एनसीबी आज कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। एनसीबी मुंबई यूनिट बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में आज पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। मालूम हो कि सुशांत सिंह केस की तहकीकात के दौरान ईडी को ड्रग्स से जुड़ी चैट मिली थी, इसके बाद ईडी ने वो चैट एनसीबी को सौंप दी थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शिवानी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी पहली चार्जशीट दायर करने जा रही है, किन किन आरोपियों का नाम है? देखिए शर्मिला, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सभी को यही लग रहा था कि शायद सुशांत सिंह राजपूत का जो ये मामला है वो काफी ठंडा होता हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो केस नंबर है 16/20 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स कनेक्शन मामले को लेकर के आज एनसीबी जो है वो कम से कम 30,000 पेजों से भी ज्यादा की जो चार्जशीट आज दाखिल करने वाली है। और इसमें अगर देखिए तो सबसे पहले मुख्य आरोपी के रूप में रिया चक्रवर्ती का नाम रखा गया है। इसके साथ ही रिया के अलावा 33 लोग जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो ड्रग्स पैडलर सप्लायर का भी नाम है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई का भी इसमें नाम रखा गया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो सलमान खान, करण जौहर और भी जिन बड़े सितारों का नाम जो था वो इस केस से जुड़ा हुआ है, जिन लोग के घर एनसीबी ने छापे मारे थे ड्रग्स मामले को लेकर के, जिन जो लोग इस मामले से जुड़े थे उन सभी का नाम भी इसमें रखा जा रहा है। लेकिन अभी बाकी लोगों के नाम पे सामने नहीं आई है, लेकिन 2-3 नाम जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर है। वो है रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लायर का और रिया चक्रवर्ती के भाई का। तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीबी जिन लोगों को जिसे गिरफ्तार किया था, जहाँ से जो भी चीजें बरामद की गई थी, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की सामान ही क्यों ना हो, हर एक चीजों को आज चार्जशीट के तौर पर एनसीबी सामने रखने वाली है। और अब देखना यही है कि चार्जशीट के बाद, हालांकि 30,000 से भी ज्यादा के कहे जा रहे हैं कि जो चार्जशीट है वो रखे जा रहे हैं, अब देखना ये है कि आज जिस तरीके से एनसीबी सारी सबूतों को सामने रखती है, सारी बातों को सामने रखती है, उसके बाद अदालत, क्योंकि एनसीबी चीफ जो है वो समीर वानखेड़े हैं, तो आज उनकी अदालत में वो खुद चार्जशीट जो है वो दाखिल करने जाएंगे। तो अब देखना ये है कि दाखिल होने पर क्या कुछ उभर कर सामने आता है। शर्मिला, बिल्कुल, चार्जशीट दायर करने के बाद क्या कुछ उभर के सामने आता है ये देखना बड़ी बात है। और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उसके सहित 37 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शिवानी।